Hey bittersweet, welcome to another vlog. आज के इस वीडियो में मैं कुछ यूनिक करने जा रही हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जो कि है सोविंग ऑफ वेजिटेबल सीड्स। तो मैंने कुछ दिनों पहले फ्लिपकार्ट से वेजिटेबल का एक पूरा कॉम्बो पैक ऑर्डर किया है। उसमें से आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दैट देर आर सीड्स विद लाइक डिफरेंट वराइटीज विच आई कुड फाइंड। लेकिन फ्लिपकार्ट से मंगाए हुए सीड्स के अलावा भी मेरे पास कुछ ऐसे वेजिटेबल्स थे इन माई किचन जिन्हें मुझे लगता है कि उनके सीड्स को इस्तेमाल करके मैं बिल्कुल नए प्लांट उगा सकती हूँ। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट आर दीज चिली विच यू आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ द वीडियो। नाउ ये चिली जो है, फ्यू डेज बैक वी बॉट दिस चिलीज एंड देन आई जस्ट यूज्ड जस्ट फोर ऑफ देम, बट द फूड वॉज वेरी वेरी स्पाइसी। सो आई थॉट वाई नॉट कलेक्ट द रेड वंस एंड देन take off their seeds and sow them. So let's see that if this experiment will work or not. In today's video, I will not be showing you the entire germinating season, but मैं आपको बस आज seeds को कैसे मैं sow करती हूँ, उनमें कुछ information जैसे कि किस तरीके का soil चाहिए होगा या फिर soil हमें soil क्यों prepare करना पड़ता है, all these things I will be discussing in this video today. तो सबसे पहले लेते हैं इन चिलीज की बात। तो आपके घर में भी, अगर आपके किचन में भी चिलीज पड़े हुए हैं और आपको लगता है कि उनका स्पाइसी टेक्सचर जो है बहुत ही ज़्यादा है और आप वैसे ही चिली हमेशा यूज़ करना चाहते हो, तो आप अपने किचन से जो रेड कलर के चिलीज होते हैं आप उन्हें पिक कर सकते हो और उन्हें बस एक दिन के लिए धूप में सन ड्राई कर लीजिए और उसके बाद इन सीड्स को बाहर निकालना, जैसे मैं कर रही हूँ। तो सीड्स को जैसे ही बाहर निकालेंगे आप चिली के, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आफ्टर टेकिंग द सीड्स आपको अपने हाथ धोने पड़ेंगे। अदरवाइज़ अगर आप वही हाथ अपने फेस पे पोछोगे या फिर कुछ करोगे तो यू विल हैव वेरी मच रैशेस और इची स्किन, जो कि मेरे साथ हुआ है एक्चुअली, इस वजह से मैं आपको ये बोल रही हूँ। तो किसी भी सीड्स को सो करने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि हमें सीड्स को पहले पानी में सोक कर लेना चाहिए। तो इसके लिए मैं पानी लूँगी और ये जो सीड्स मैंने निकाले हैं अभी, इन्हें मैं सोक करूँगी उतनी देर तक जितनी देर तक ये सीड्स जो है ये पानी के अंदर डूब ना जाए। तो ये जो मैं कर रही हूँ, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सीड टेस्ट। सीड टेस्ट इसीलिए किया जाता है एग्रीकल्चर में या फिर जब भी कल्टीवेशन किया जाता है या फिर कोई भी गार्डनिंग प्रोसेस में। सीड टेस्ट तब किया जाता है जब आपको पता लगाना हो कि जो आप सीड्स आप बोओगे खेतों में या फिर अपने गार्डनिंग में जर्मिनेशन के लिए, वो हेल्दी सीड्स है कि नहीं। तो इस सीड टेस्ट को कैसा किया जाता है, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। सीड टेस्ट करने का तरीका ये होता है कि एक कंटेनर में पानी लिया जाता है, उसमें जो भी सीड्स उगाना चाहेंगे या द फार्मर या फिर कोई भी गार्डनर, वो सीड्स को उस कंटेनर में जहाँ पर पानी है उसमें डाल दिया जाता है और थोड़ी देर वेट किया जाता है। आप जैसे वीडियो में देख रहे हो कि लगभग सारे के सारे सीड्स डूब चुके हैं और जाके बॉटम पे वो लोग अंदर जा चुके हैं। तो ये बताता है कि ये सारे जो सीड्स हैं, पेरीविंकल के सीड, ये सब हेल्दी सीड्स हैं और यहाँ पर 99% चांसेस हैं कि सारे सीड्स जर्मिनेट होंगे। लेकिन एक और केस ये है कि कभी कभार सारे के सारे सीड्स नहीं डूबते हैं, कुछ कुछ सीड्स सरफेस में फ्लोट करते हैं। तो उन बीच या फिर दो सीड्स विच फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, वो डैमेज्ड सीड है या फिर जो सीड खराब हो चुके हैं और फार्मर या फिर गार्डनर उन फ्लोट किए गए सीड्स को वो लोग बाहर निकाल कर फेंक देते हैं और उन्हीं और बस उन्हीं सीड्स का इस्तेमाल करते हैं जो उस कंटेनर के अंदर डूब चुके हैं। जो हमने चिली या फिर मिर्ची के सीड्स को पानी में हमने रखे थे, वो अभी ऑन द प्रोसेस है सिंक करने के।
तो लगभग ज़्यादातर सीड्स ही अभी बिल्कुल डूब चुके हैं। तो कुछ देर बाद हम इन्हें एक कंटेनर में बोएंगे। तो अब मैं लेने जा रही हूँ और कुछ बीज, जैसे कि अभी तीसरे नंबर पर है हमारा बिटर गॉर्ड या फिर करेले के सीड्स। करेले के सीड्स में अराउंड 3 से 4 बीज रखूँगी। करेला एक ऐसा वेजिटेबल है जो बहुत ही हेल्दी होता है। अभी चौथे नंबर पर जो सीड लूँगी मैं, वो है हमारा स्पॉन्ज गॉर्ड। स्पॉन्ज गॉर्ड में हम बंगाली में भोल भी कहते हैं। तो और साथ ही में मुझे एक दो सनफ्लावर सीड्स भी मिले हैं, तो मैं उन्हें भी पानी में डालूँगी सीड टेस्ट के लिए। दीज आर प्लास्टिक कंटेनर्स विच आई विल बी यूजिंग फॉर सीड जर्मिनेशन। इन प्लास्टिक कंटेनर्स को मैंने पिछली बार भी इस्तेमाल किया था या फिर अक्सर यूज़ करती हूँ सीड जर्मिनेशन के लिए। और अगर आप इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो लाइक देर आर सीड ट्रेस विच आर अवेलेबल इन ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स फ्रॉम वेयर यू कैन परचेज दैम। बट इन बिस्किट्स के कंटेनर के साथ साथ मैं जो आइसक्रीम के कप्स होते हैं इन्हें भी रिसाइकल करती हूँ सीड जर्मिनेशन के लिए। मैं अक्सर टेराकोटा के पॉट्स भी यूज़ करती हूँ सीड जर्मिनेशन के लिए, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें तो प्लास्टिक कंटेनर में ज़्यादा हीटिंग का चांसेस होता है, वेयर एज इन टेराकोटास यू हैव लो रिस्क ऑफ एक्सेसिव हीटिंग एंड दे हैव अनदर बेनिफिट। द सेम बेनिफिट इज दैट दे रिटेन द कूलनेस इवन दो देर इज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर, सो टेराकोटास आर गुड फॉर दैट। फॉर सोइंग दिस सीड्स मैं इस्तेमाल करूँगी गार्डन सॉइल और इन सारे ट्रेस को फिल करूँगी। अब आता है हमारा तीसरा स्टेप जो कि है सॉइल प्रिपरेशन का। सॉइल प्रिपरेशन के स्टेप में हमें जो मिट्टी लेंगे उसे हमें अच्छी तरीके से तोड़ना पड़ेगा और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बड़े बड़े जो सॉइल चंक है उन्हें हमें स्मॉलर पीसेस में तोड़ने पड़ेंगे, ताकि जब सीड जर्मिनेट करे उसे कोई रुकावट ना हो रूट्स को बाहर निकालने के लिए या फिर शूट्स को बाहर निकालने के लिए। सो इसी तरीके से अपने हाथों से हम छोटे छोटे सो जो बिग मड है उन्हें हम ब्रेक करके पूरी तरीके से फाइन सॉइल रखेंगे। अभी हमारा सॉइल रेडी है। अभी हम धीरे धीरे करके जो सीड्स को हमने सीड टेस्ट के लिए रखे थे उन्हें हम धीरे धीरे करके इस कंटेनर में सो करेंगे। तो बनी रहिए मेरे साथ वीडियो में और देखते रहिए इस पूरे प्रोसेस को। मिर्ची के सीड्स को कंटेनर में डालने के बाद हम इसे सॉइल के एक लेयर से अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सीड जब आप पानी डालोगे तब सॉइल और भी ज़्यादा थोड़ा सा बैठ जाता है, और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सीड्स विजिबल ना हो। और बिटर गॉर्ड के और स्पॉन्ज गॉर्ड के सीड्स को लगाने के लिए हमें लगभग 1 इंच के या फिर 1.5 इंच की गहराई में इन्हें हमें बोना पड़ेगा, क्योंकि जब सीड्स जर्मिनेट होंगे तब हम इन्हें रीपॉट करेंगे ताकि ये अच्छा एक सैपलिंग दे सके। इसीलिए बस जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए 1 to 1.5 इंच इज सफिशेंट।
ये जो टेराकोटा का पॉट है यहाँ पर मैं पेरीविंकल के सीड्स को डालूंगी, तो इस वजह से मैं इसे पहले सॉइल से फिल कर लूंगी और उसके बाद इन्हें पेरीविंकल सीड्स को यहाँ पर डालूंगी। जब आप पेरीविंकल सीड्स को सो करते हो तब एक बात में ध्यान रखना ज़रूरी होता है, वो ये है कि पेरीविंकल के जो सीड्स है ये बहुत इन्हें डार्क एरिया बहुत पसंद है या फिर डार्कनेस बहुत पसंद है, इसीलिए जब आप सीड्स को बोओगे तो उसके ऊपर से एक भारी लेयर में आपको सॉइल डालना पड़ेगा ताकि ये डार्कनेस में रह सके और जब जर्मिनेट होगा तब हम इसे रिपोर्ट करेंगे। हमारे ये कंटेनर्स रेडी है फॉर जर्मिनेशन। अभी हम देखेंगे कि कौन से सीड को कितना समय लगता है जर्मिनेट करने में और आई विल फॉर श्योर शेयर विद यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम स्पैन दे नीडेड फॉर द जर्मिनेशन एंड द वेरी लास्ट स्टेप इज वाटरिंग ऑफ द सीड्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादातर सॉइल को मॉइस्ट रखना पड़ेगा जो कि एक फेवरेबल कंडीशन है सीड्स को जर्मिनेशन होने के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिटर स्वीट। टिल देन कीप वॉचिंग योर वेरी ओन चैनल बिटर स्वीट।